आज का ये वीडियो इस मायने में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम तुलना करेंगे काइगर RXE की मैग्नाइट के XE मॉडल से, यानी कि काइगर और मैग्नाइट जो दोनों ही सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV है, इनका जो बेस्ट मॉडल है वो कैसा है और आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट मॉडल चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथियों, प्राइस से ही बात शुरू करें तो आसानी रहेगी आपको समझने में कि आपका बजट कितना होना चाहिए दोनों में से एक बेस्ट मॉडल को खरीदने के लिए। साथियों, मैग्नाइट के XE की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,59,000 रुपये, जबकि काइगर की कीमत की बात करें तो 5,45,000 रुपये शुरू होती है इसकी एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि काइगर आपको लगभग 15,000 रुपये सस्ती मिल जाएगी चाहे आप कहीं से भी खरीदें। ऑन रोड तक आते आते इनकी प्राइस बढ़ते हुए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहेगी क्योंकि रोड टैक्स वगैरह में फर्क होता है। यही कारण है कि इनका जो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 6,10,000 से 6,50,000 रुपये के बीच में कहीं आपको इन दोनों का ही बेस्ट मॉडल मिल जाएगा यदि आप कोई भी खरीद रहे हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये का फर्क रहेगा, मैग्नाइट से काइगर आपको सस्ती मिल सकती। साथियों, इस वीडियो में जब भी मैं काइगर कहूँ या फिर मैं जब भी मैग्नाइट का नाम लूँ, इसका मतलब ये कि आप इनके बेस्ट मॉडल ही समझें। मैग्नाइट का मतलब मैग्नाइट XE और काइगर का मतलब काइगर RXE। तो साथियों, प्राइस के बाद इनके इंजन की बात करें तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसा ही इंजन है। आपको बता दें इसमें 1.0 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आता है, टर्बो चार्ज इंजन नहीं है, जो केवल 71 BHP का पावर जनरेट करता है, वो भी 6,250 RPM पर। टॉर्क की बात करें तो 96 Nm का टॉर्क ये इंजन आपको 3500 RPM पर दे देता है। कुल मिला के 3 सिलेंडर वाला यह इंजन वास्तव में ठीक ठाक काम करेगा 71 BHP के साथ। यदि आप युवा खून से लबरेज है और गाड़ी को धीरे चलाना आप अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, यानी कि आप लगभग 100 के ऊपर ही हमेशा विचरण करने वाले प्राणी हैं, तो आपको कुछ न कुछ निराशा हाथ लग सकती है इन दोनों ही गाड़ियों से। फिर आपको कोई अन्य गाड़ी या फिर इनका टर्बो वेरिएंट यानी अपर वेरिएंट खरीदना चाहिए। साथियों, ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें भी आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी मिलेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ इतनी चीज़ें होने के बाद हमें लगता है कि जो दो चीज़ें है या कहें कि दो चीज़ों की कमी आपको खुलेगी वो है, इसमें आपको एक तो ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, और दूसरा इसमें आपको टर्बो इंजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन बेस्ट मॉडल है और बेस्ट का मतलब यही है कि आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। साथियों, आप बात कर लेते हैं डायमेंशन की। यहाँ डायमेंशन में हम जब देखते हैं तो चाहे कोई भी गाड़ी खरीदें, चाहे टॉप मॉडल खरीदें या फिर बेस्ट मॉडल खरीदें, किसी प्रकार का फर्क नहीं है। यही कारण है कि डायमेंशन के मामले में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी शानदार है। लंबाई की बात करें तो मैग्नाइट की 3,994 mm, जबकि काइगर की 3,991 mm, 3 mm का मामूली सा फर्क है, थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है बाल भर कहें तो। किससे? मैग्नाइट लंबी ज़्यादा है काइगर से, बाल भर का मतलब 3 mm। इसके अलावा बात कर लेते हैं चौड़ाई की, तो 1,758 mm चौड़ी है मैग्नाइट, जबकि 1,750 mm चौड़ी है काइगर। तो यहाँ भी लगभग 8 mm का मामूली सा फर्क है, चौड़ाई में भी मैग्नाइट बेहतर है। बात करें ऊंचाई की तो 1,572 mm ऊंची है मैग्नाइट का बेस्ट मॉडल, जबकि 1,605 mm ऊंचा है काइगर का बेस्ट मॉडल। तो यहाँ ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और अचानक से काइगर काफ़ी ज़्यादा बाजी मार लेती है मैग्नाइट से ऊंचाई के मामले में। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 33 mm का फर्क है इन दोनों की ऊंचाई में, तो काइगर कुछ न कुछ विशेष या कहें कि बेस्ट हो सकती है ऊंचाई के मामले में। साथियों, व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का व्हील बेस दोनों ही कारों में मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 mm का आपको दोनों ही कारों में मिल जाता है। अगला जो बड़ा फर्क है वो आपको बूट स्पेस में मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें 336 लीटर का शानदार बूट स्पेस मिलता है मैग्नाइट में, जबकि 405 mm का बेहद शानदार और बड़ा बूट स्पेस मिलता है काइगर में। आप देख सकते हैं लगभग 69 से 70 लीटर का फर्क है, 336 लीटर और 405 लीटर में काफ़ी फर्क है। तो यदि आपको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए या फिर कहें कि आपको ज़्यादा लगेज लेकर के चलने की व्यवस्था चाहिए तो काइगर कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो सकती है। साथियों, स्पेस के बाद या कहें कि डायमेंशन की बात, अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी या फिर सेफ्टी की, तो यहाँ पासा कुछ थोड़ा बहुत पलटता दिखेगा। जहाँ स्पेस के मामले में ज़्यादा शानदार है काइगर, वहीं
बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैग्नाइट बेहतर है। आपको बता दें मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हो चुका है और उसमें इसे 4 स्टार मिले, जो आप अपने आप में काफ़ी शानदार हैं। सेल्टोस जैसी गाड़ियां, जो SUV सेगमेंट की शानदार गाड़ियां, उनको भी 3 स्टार मिले हुए हैं, जबकि मैग्नाइट के क्रैश टेस्ट में इसे 4 स्टार मिले। हालांकि जो क्रैश टेस्ट के लिए वेरिएंट भेजा गया वो बेस्ट मॉडल है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल हम मान सकते हैं कि क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिलने का मतलब ये कि आप कोई भी वेरिएंट खरीदेंगे तो काफ़ी शानदार और मजबूत होगा ही होगा। यूज़र फीडबैक की बात करें, यानी कि दोनों ही गाड़ी को यूज़ करने वाले लोगों की राय पर बात करें, तो कहीं ना कहीं मैग्नाइट को जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग इसे ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं काइगर की बजाय। तो सेफ्टी के मामले में कुछ फीचर्स भी हैं जो आपको दोनों में मिल जाएंगे, जैसे कि एयरबैग दोनों में दो दो मिलेंगे, साथ ही कुछ कॉमन से फीचर्स या कहें कुछ इम्पोर्टेंट और अनिवार्य भी है, जैसे ABS, EBD या फिर अन्य फीचर्स की बात करें तो इंजन चेक वार्निंग, क्रैश सेंसर की बात करें या फिर एडजस्टेबल सीट का फीचर्स भी आपको इन दोनों ही बेस मॉडल्स में मिल जाएगा। वो ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे आप इनकी सीटों को एडजस्ट कर पाएंगे। सीट बेल्ट आपको इन गाड़ी में मिल जाते हैं, साथ ही साथ पावर डोर लॉक्स मिल जाते हैं और चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स भी आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीट बेल्ट वार्निंग यदि आपको चाहिए तो आपको निसान में ये एक्स्ट्रा मिलती है, निसान के बेस मॉडल में, जबकि काइगर में सीट बेल्ट वार्निंग नहीं मिलती, लेकिन 2000 वार्निंग आपको काइगर में मिलती है जो मैग्नाइट के बेस मॉडल में नहीं मिलती। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें लगता होगा कि बहुत शानदार गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, साथ ही ऐसी भी बात नहीं है, बेस मॉडल है तो कुछ चीज़ें तो होगी जो आपको नहीं मिलेगी। इसी संदर्भ में कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों ही कारों में नहीं मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उन पर यदि बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग यदि आपको चाहिए तो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटर जैसा प्रीमियम फीचर्स बेस मॉडल में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी या हेडलाइट्स आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, ये काफ़ी परेशान करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि दिन में यदि आप हेडलाइट यूज़ करते हैं किसी कारणवश और इसे बंद करना भूल जाते हैं, आप इंजन को बंद कर देते हैं, गाड़ी को बंद कर देते हैं और 2 से 3 घंटे तक यदि आपकी हेडलाइट जल जाती है, चालू रह जाती है, तो इसकी बैटरी तुरंत ही बैठ जाएगी और फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहीं पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। खैर साथियों, टच स्क्रीन इसमें नहीं मिलता है, ना ही रियर में आपको कैमरा मिलेगा और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स का सिस्टम भी आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बेस मॉडल है तो हमें बेस की तरह ही बात करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की आशा हमें नहीं रखनी चाहिए। कंफर्ट की बात कर लेते हैं साथियों, सेफ्टी की बात, तो कंफर्ट में भी मैग्नाइट काफ़ी आगे रहेगी काइगर में और ये एक ऐसी चीज़ है, कंफर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ मैग्नाइट काइगर को पूरी तरह से पछाड़ती नजर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि काइगर में कुछ मिल ही नहीं रहा है, दोनों में कुछ कंफर्ट के मामले में कुछ कॉमन चीज़ें जो मिल रही है उन पे यदि मैं जल्दी जल्दी प्रकाश डालूं तो पावर स्टीयरिंग के साथ पावर विंडो मिलते हैं फ्रंट में दोनों ही गाड़ी में। साथियों, बेस मॉडल है इसलिए रियर के विंडो है वो पावर्ड नहीं है, लेकिन आपको मैग्नाइट में चारों ही पावर विंडो मिलते हैं बेस मॉडल होते हुए और ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता हो सकती है। साथ ही लो फ्यूल वार्निंग लाइट की बात करें या फिर रियर सीट एडजस्ट की बात करें तो आप उन्हें एडजस्ट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ रियर पार्किंग सेंसर जो कि कंपलसरी होता है वो भी इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। साथ ही AC मिल जाता है जो केवल फ्रंट के वेंट्स के साथ आता है, रियर वेंट्स के लिए आपको इनके अपर वेरिएंट्स की ओर ताकना होगा, यानी बेस मॉडल में आपको फ्रंट के AC वेंट्स मिलेंगे और फ्रंट में AC वेंट्स भी पर्याप्त हो सकते हैं 5 सीटर गाड़ी के लिए। इवन ड्राइवर का बेस मॉडल आप खरीदते हैं तो उनमें भी केवल फ्रंट में आपको AC वेंट्स मिलते हैं जबकि वो 7 सीट्स के साथ आती है। साथियों, मैग्नाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको कंफर्ट के मामले में मिलेंगे, ढेरों एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि एक हमने चर्चा की, रियर पावर विंडो आपको मैग्नाइट के बेस मॉडल मिल जाता है जो काइगर में नहीं मिलेगा। पावर बूट की बात करें, फिर रिमोट ट्रंक ओपनर की बात करें, फ्रंट में कप होल्डर की बात करें, रियर बोतल होल्डर की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपको मैग्नाइट में एक्स्ट्रा मिलेगी जो काइगर के बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ लगेज हुक और नेट भी आपको मैग्नाइट के बेस मॉडल में मिल जाते हैं और ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अन्य बेस मॉडल्स में या अन्य कारों में आप इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों का बेस मॉडल खरीदते हैं तो शायद ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलते। यही कारण है कि मैग्नाइट की मांग काफ़ी शानदार है काइगर में। हालांकि फ्रंट में USB चार्जर मिल जाता है और ये एक ऐसा फीचर है जो मैग्नाइट पर काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने बेस मॉडल में मैग्नाइट की मैं बात कर रहा हूँ USB चार्जर ना दे करके काफ़ी कुछ निराश किया लोगों को, क्योंकि आजकल कार का मतलब ये है कि उसके साथ चार्जिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए,
फोन चार्ज करने के लिए कार पर लोग डिपेंड होते जा रहे हैं। खैर साथियों, दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेगी क्योंकि बेस मॉडल है, तो कुछ चीज़ें आपको दोनों में नहीं मिलेगी। कौन सी? जैसे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें या फिर रियर रीडिंग लैंप की बात करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी नहीं मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट नहीं मिलेगी इन दोनों में ही, जबकि रियर एसी वेंट्स की तो हमने बात ही कर ली है, वो भी नहीं मिलेगा। और इंजन है 1.0 लीटर का, इसलिए ड्राइव मोड भी हम आशा ना करें तो ही ठीक रहेगा। तो साथियों, ना इसमें कोई ड्राइव मोड मिलेगा, साधारण तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं, और ना ही कीलेस एंट्री भी आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी। साथियों, इंटीरियर में आपको टैकोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ऑडोमीटर, ग्लोव कंपार्ट मिल जाता है, लेकिन वो आपको कूल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको फैब्रिक अपोलेस्ट्री की सीटें मिल जाएगी और टैकोमीटर जैसी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों में कुछ फर्क है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो कॉमन है, जैसे एडजस्टेबल हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं, साथ ही व्हील कवर मिलते हैं। आपको स्टील व्हील के साथ व्हील कवर मिलना अपने आप में काफ़ी शानदार इस गाड़ी के लुक को थोड़ा बढ़ा देता है। साथ ही रियर में स्पॉइलर यानी कि पीछे का छज्जा, वाह भाई वाह, क्या बात करें, दोनों के लुक को चार चांद लगा देता है। इतना ही नहीं साथियों, इन दोनों में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, जो वास्तव में इन्हें SUV बनाती है। तो स्पॉइलर और रूफ रेल दोनों की जरूरत है, और बेस मॉडल में ही दोनों में मिल रही है, इसलिए काफी शानदार है। साथियों, मैग्नेट की अच्छी बात यह कि रियर विंडो वाइपर मिल जाता है और फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिल जाती है, जो इसके लुक को और बढ़ा देती है। लेकिन काइगर की अच्छी बात यह कि इसमें LED DRLs मिल जाते हैं और ORVM पर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। साथ ही कलर ऑप्शन में भी आपको काइगर में बेहतर कलर मिल जाते हैं। 11 तरह के कलर में आपको काइगर मिल जाती है, जबकि 8 तरह के कलर मैग्नाइट में उपलब्ध है। तो यदि आप दोनों को देखें तो काफ़ी शानदार गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिल रहा है। दोनों में ही आपको ना तो फॉग लैंप्स मिलते हैं, ना ही एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जैसा कि हमने चर्चा की। सादी स्टील व्हील मिलती है वो कैप के साथ, साथ ही साथ इसमें रूफ रेल तो मिलती है दोनों गाड़ी में, लेकिन रूफ कैरियर नहीं मिलता है। 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा करके आप बाहर से रूफ कैरियर लगवा सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यदि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो। साथ ही साथ साइड स्टेपर भी इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो के इस अंतिम भाग में यदि चलते चलते बात कर ले एंटरटेनमेंट की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो एंटरटेनमेंट इन दोनों में मिलती है वो है बाबा जी का ठुल्लू दोनों में, क्योंकि बेस मॉडल है इसलिए कुछ नहीं मिलता। आप ऑडियो सिस्टम वगैरह आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ओवरऑल साथियों, कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में मैग्नाइट बेहतर है, लेकिन आपको स्पेशियस गाड़ी चाहिए और कुछ आफ्टर सेल सर्विस शानदार मिले, ये आपके मन में विचार है, तो आपको काइगर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, यदि मार्किंग की बात करें दोनों में से कौन सी बेहतर है, यदि मुझे कोई कहे कि आप नंबर दीजिए 10 में से, तो मैं मैग्नाइट को 10 में से 9 नंबर दूंगा, वहीं काइगर के बेस मॉडल को 10 में से 8 नंबर में दूंगा। तो साथियों, कमियां क्या है इन दोनों में? कुछ नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है, इसलिए कमियां हमें ढूंढनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है वो है दोनों ही कंपनियों की नाइंसाफी, या कहेंगी कंपनियों का कमीनापन, हम ये कह सकते हैं साथियों, कुछ कड़े शब्द हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों ने बेस मॉडल जारी कर दिए कम प्राइस के साथ, इसका प्रचार प्रसार कर रही है कि देखो हमारी गाड़ी केवल इतने रुपए में मिल रही है, लेकिन वास्तव में मिल कहाँ रही है, बहुत कम लोगों को मिल रही है। इवन काइगर का जो बेस मॉडल है वो अभी डिलीवर होना शुरू हुआ है, जबकि मैग्नाइट का बेस मॉडल भी काफ़ी डिमांड में होते हुए कंपनी सीमित उत्पादन कर रही है। आशा करेंगे आने वाले समय में इन दोनों के बेस मॉडल लोगों के हाथों में पहुंचे और लोग इनके साथ अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठा सकें। आप सब यहां तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।